Welcome students. So today we are going to start the next chapter. This is belongs from part A, volume 2, that is the company account, that's mean shares simply. So let us start the theoretical part of this chapter, because theory makes your concept regarding the chapter. So let's start. Let's see, the first thing is here, meaning and characteristics of a company. When we talk about the meaning of company, that's been simple is, company is a voluntary association of persons. Company also called legal entity. Clear? All these things, when we see, it also including his feature. बट सिंपली कंपनी की अगर डिफिनेशन या मीनिंग की बात करें तो कंपनी इज एन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एनी कंपनीज एक्ट. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स सी अ डिफिनेशन विच इज मोस्ट फेमस डिफिनेशन. दिस वन इज गिवन बाई Professor L. H. Hannay. Let's see here. A company is an artificial person created by law. Who created? Law. That's why it is also called legal person. Is it clear? Okay, now having separate entity. What? Having separate entity. ठीक है, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है और उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस अलग होता है. With perpetual succession and a common seal. Common seal what? भाई हम persons क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं ना. Common seal means signature. Let's see all these things also we talked here in characteristics or company of a feature of a company. Let's see. The first feature is incorporation. देखो भाई अगर company है तो उसका registration क्या है, compulsory है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग पहला फीचर क्या है किसी कंपनी का, कि इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड. वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए. ठीक है, अब रजिस्टर्ड कहां होगी, अंडर एनी लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट. अभी कौन सा कंपनीज एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, 2013. बट अगर कोई कंपनी प्रीवियसली किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ऐसा नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं माने होगा, वो माना जाएगा. क्लियर है? ये तो आज की कंपनीज के लिए है, पहले वाली कंपनियां किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, सेपरेट लीगल एंटिटी. मैंने बात की ना कि कंपनी और उसके मेंबर दोनों की जो एंटिटी होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है. ठीक है, कंपनी अपने कोड कंडक्ट बनाती है, उसको मेंबर्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है बेटा. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और सक्सेशन. दैट्स बीन वर्ड. अगर कोई मेंबर कंपनी का डाइड हो जाए तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के एंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी ऑन द डेथ ऑफ एनी मेंबर. ठीक है, किसी मेंबर के मर जाने पर या उसके चले जाने पर इससे कोई भी अफेक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे नहीं पड़ता. लेट्स सी हियर, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू द बैंकरप्टसी और डेथ और लिमेशी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर. क्लियर है? दैट्स कॉल्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड लाइबिलिटी. कंपनी फॉर्म्स, वाई हम कंपनी क्यों फॉर्म करते हैं? सिंपली बहुत सारे टाइम पे आपने ये सुना होगा, सोल ट्रेड बेटा. कौन सा ट्रेड? सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप. और पार्टनरशिप में यही तो एक सबसे बड़ा लैक था, क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. ठीक है, इस लाइबिलिटी को ही, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को ही रिमूव करने के लिए तो कंपनी फॉर्मेशन मिला. ठीक है, और एक चीज और भी थी भाई कि कैपिटल की लिमिटेशन थी इन फॉर्म्स में, तो कंपनी में तो ऐसा था नहीं. तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कहां पर? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के केस में. ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट क्या बेटा? ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स. एक कंपनी में जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, और वो स्मॉल पार्ट्स होते हैं
shares. Okay. Now, these shares of public company freely transferable. क्या कर सकते हैं? Transfer कर सकते हैं. But on the account of private company, there must be some rules which we follow, then we transfer the shares. ठीक है? लेकिन ये इसके फीचर में आता है कि ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स इज अ फीचर ऑफ अ कंपनी. व्हाई? बिकॉज यहां पर एक कंपनी के मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, तभी वो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अ कॉमन सील. ठीक है? कंपनी के पास क्या होता है बेटा? अपना खुद का कॉमन सील होता है. कंपनी के पास क्या होता है? खुद का अपना कॉमन सील, दैट मींस सिग्नेचर. डायरेक्टर साइन करते हैं, अलग बात है, लेकिन हर जो डॉक्यूमेंट होता है इट मस्ट बी सील्ड बाय अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी. कंपनी का कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, सेपरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम द मैनेजमेंट. देखिए, कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन वो कंपनी को मैनेज नहीं करते. मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं, हाँ, उनका इलेक्शन या उनको इलेक्ट किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू. तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी मैनेज होती है, लेकिन ये मैनेज कौन करता है उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते. तो यहां पर क्या है? यहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का क्या मिलता है हमको? सेपरेशन मिलता है. क्लियर है? ओके. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट. देखो भाई, अगली चीज तो मैं क्लियर कर दूं तुम्हें बताने से पहले, कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम थ्योरेटिकल पार्ट्स लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए. बेसिकली बेटा, टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो टाइप्स पढ़ने हैं वो यहां पर यही देखने हैं. कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. ठीक, हम इसकी बातें कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज, बेसिकली हमें जो बातें देखनी है वो इसके रिगार्डिंग देखनी है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो हम सिर्फ इतना ही कवर अप करेंगे. पहला बेटा, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन सब. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट लो. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऐसी कंपनियां जो जितने वैल्यू के शेयर्स इश्यू करेंगे उतनी ही लायबिलिटी उनके ऊपर अराइज होगी. इसमें प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और ओपीसी वन पर्सन कंपनी. प्राइवेट कंपनी की बात कर लेते हैं. एनी कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, दैट्स कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी. कोई कंपनी अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, और वहीं पे पब्लिक कंपनी. ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी तो वो पब्लिक कंपनी होगी. वन पर्सन कंपनी विच इज फॉर्म बाय वन पर्सन, ऐसी कंपनी जो एक पर्सन के जरिए फॉर्म की गई हो, और वो बेटा होती प्राइवेट कंपनी है. कैसी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है. ये भी नया स्ट्रक्चर मिला है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज में. ठीक, अब बेसिकली इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. वैसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी हर कंपनी के बारे में, लेकिन हमें इतनी ज्यादा टॉक नहीं करनी इसके बारे में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं. चलिए थोड़ा सा फीचर्स देख ही लेते हैं, थोड़ा कि आपको कॉन्सेप्ट में रहे. लेट्स सी. अब प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बेटा, कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ रूल्स होते हैं. नाउ सेकेंड वन, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200. देखो बेटा, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200. ठीक है? Also prohibited any invitation to public for the subscription of any kind of securities. मतलब शेयर और डिबेंचर परचेस करने के लिए ये किसी को इनवाइट नहीं कर सकते. 2 मेंबर वाला केस तो मैंने आपको बता ही चुका है. ठीक है? इट विल हैव लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. दैट्स मीन कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना मस्ट है. ठीक है? लेट्स सी द पब्लिक कंपनी. ओके, पब्लिक कंपनी कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. लेट्स सी, पब्लिक कंपनी कौन है? कोई कंपनी जो प्राइवेट नहीं हो, पब्लिक है. ठीक है? हैज अ मिनिमम पेडअप कैपिटल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड. तो देखो भाई, इनकी जो मिनिमम पेडअप कैपिटल होती है पब्लिक कंपनी की, वो 5 लाख है. कितनी है? 5 लाख. ठीक है?
यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में वो 7 होते हैं और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड हैं, मतलब कि कंपनी में जितने भी शेयर इश्यू होते हैं उतने मेंबर हो सकते हैं, तो लिमिट नहीं होती। और इन कंपनियों के नेम के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड? लिमिटेड वर्ड। नाउ लेट्स सी द वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, जिस कंपनी में सिर्फ एक पर्सन होगा मेंबर। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ दिस कंपनी। द मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 1 लाख। इज इट क्लियर? नाउ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट लीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। नाउ इट हैज नेचुरल पर्सन। वन पर्सन कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है? कोई नेचुरल पर्सन। क्लियर? नाउ ऑल प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी शैल ऑल्सो अप्लाई ऑन ओपीसी। प्राइवेट कंपनी के जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स ओपीसी पे अप्लीकेबल होंगे। एंड द लास्ट एग्जेम्पशन फॉर दिस कंपनी इज टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। कोई जरूरत नहीं इनको किसी भी टाइप्स के एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करने के। एंड ऑल्सो दे आर नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो लेट्स एंड दिस सेशन। We will meet in our next session for next topics.